स्वागत आप सभी का एक और नए धमाकेदार गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज की वीडियो होने वाली है हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड कमाल की होने वाली है, क्योंकि गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इंडियन व्हीकल्स के कमाल के एंड न्यू अपडेट के बारे में, जिसका कि गाइज आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई लोग हमारे कल्टीवेटर को कितने अच्छे तरीके से फार्मिंग कर रहा है। यहाँ पे देखो भाई लोग हमारे पीछे हमारे टीले वो या हमारी जमीन से उखड़ते जा रहे हैं। और एक बार लुक चेक करो भाई लोगों ट्रैक्टर की। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आप अपना स्वराज हर वीडियो में क्यों लेते हो, तो भाई लोगों हमने आज ट्रैक्टर चेंज कर ही लिया। ये ट्रैक्टर भाई लोगों अपना 4x4 जोटा ट्रैक्टर। तो पर्सनली भाई ये यार ट्रैक्टर ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, इसके अंदर पहली चीज़ हमारी ये ट्रैक्टर भाई 4x4 है। अब गाइस बात की जाएगी अपने गेम के अंदर अपना न्यू अपडेट है वो कौन सा है। गाइस आपको बताओ कि अपने गेम के अंदर फार्मिंग करने के बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, रोटावेटर, कल्टीवेटर, प्लाव, हैरो वगैरह, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं अपने गेम में, जिसमें से भाई लोगों पर्सनली मेरा फेवरेट है अपना रोटावेटर। तो ये चेक करो भाई लोगों रोटावेटर अपने गेम के अंदर मैंने ले लिया है। रोटावेटर का काम क्या होता है भाई लोगों, रोटावेटर का काम ये होता है कि अपने खेत की जितनी भी मिट्टी है इसके अंदर हम मिलाएंगे ना हमारा देसी खाद, तो देसी खाद को ये बिल्कुल मिक्स कर देता है। सपोज मान लो गाइस हमने वही अपने खेत के अंदर अपनी ज्वार की फसल है, तो ज्वार की फसल होने के बाद गाइस हमारी ज्वार की जो मिट्टी है ना, उसके बाद गाइस क्या होता है कि ज्वार के जो सारे मतलब है ना जमीन वाले जो होते हैं ना मतलब लकड़ियाँ वो उसके अंदर रह जाती है जमीन के अंदर। उससे भाई लोगों को क्या होता है कि हमारी आने वाली फसल है ना वो मतलब है ना अच्छे से उगती नहीं है, उसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है। इसी वजह से भाई लोगों अपने खेत के अंदर अपना रोटावेटर है वो चलाया जाता है। और भाई लोगों हमारे इसके ना एक एकड़ का खींचने का भाई लोगों लेते हैं 1100 से 1200 रुपये। तो भाई लोगों अंदाजा लगा लो यार मैंने कितने भी, तो गाइज एक बार गेस कर लो कि हम कितने बीघा के अंदर अपना रोटावेटर है वो चलाने वाले हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई लोगों रोटावेटर तो हमारा बिल्कुल चल चुका है, लेकिन गाइज हमारे गेम में जो हमारा न्यू अपडेट है ना वो कुछ इसी प्रकार आया है। सही गाइज मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अपने गेम के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं फार्मिंग करने के, रोटावेटर, पुलाव, हैरो और भी गाइज अपने गेम के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, कल्टीवेटर वगैरह। तो ये चेक करो भाई लोगों ये हमारा पुलाव। पुलाव का काम क्या होता है भाई लोगों, पुलाव का भी काम वही प्रोसेस है भाई लोगों, मतलब हमारी ज़मीन को बिल्कुल कट कर देता है भाई लोगों अंदर से, और हमारी अंदर वाली मिट्टी है ना भाई लोगों उसको बाहर लेके आता है, और बाहर लेके आने के बाद इसके बाद में हमारा रोटावेटर चलाया जाता है, क्योंकि रोटावेटर हमने पहले चला दिया। तो भाई लोगों हम तो गेम प्ले कर रहे हैं यार, क्या हम रियल में फार्मिंग तो नहीं कर रहे ना। अब भाई लोगों मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही तगड़ा सरप्राइज़। तो यहाँ पर हम जाते हैं कस्टमाइज, लेकिन इससे पहले भाई लोगों ट्रैक्टर ना यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर लेते हैं अपना जॉन डियर, यहाँ पे ये चेक करो भाई लोगों जॉन डियर ट्रैक्टर यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे पहले ये चेक करो भाई लोगों मैंने ले लिया अपने निशु देसवाल भाई का, बोले तो कि अपना टोचन किंग। अब हम जाते हैं यहाँ पे कस्टमाइज मॉडिफिकेशन, ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पे जोड़ते हैं हम हमारा लेवलर। तो ये चेक करो भाई लोगों मैंने यहाँ पे अपना लेवलर वो जोड़ लिया है। यहाँ पे चेक करो भाई लोगों मैंने जोड़ लिया अपना लेवलर। तो लेवलर का काम क्या होता है भाई लोगों, लेवलर का काम होता है अपने खेत की मिट्टी को लेवल करना। तो यहाँ पे चेक करो भाई लोगों हमारा खेत है ना एक साइड से तो मतलब ना उबड़ खाबड़ है, और एक साइड से थोड़ा सा ऊपर है भाई लोगों, इसी वजह से आज हम हमारे खेत को बिल्कुल लेवल करने वाले हैं। लेवलर का काम होता है अपने खेत के अंदर हमारी मिट्टी को लेवल करना, और यहाँ पे गाइस देख पा रहे हैं कि अपना खेत है एक साइड से उबड़ खाबड़ है, इसी वजह से भाई लोगों हमारे आज खेत को ना बिल्कुल लेवल करने वाले हैं। और गाइस आज की वीडियो में मैं आपको अपने खेत से ना खेत के चारों ओर चेक करो भाई लोगों एक बार, मतलब है ना कोई अनजान आदमी इसके अंदर फार्मिंग करने के लिए आएगा तो भाई लोगों वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा यार ये खेत मतलब यार किस मालिक का है, ये तो बिल्कुल लेवल हो रखे हैं। इसी वजह से भाई लोगों आज की वीडियो में मैं आपको अपने ट्रैक्टर की सहायता से अपने खेत के अंदर मेड पटके भी दिखाने वाला हूँ। तो बने रहेगा गाइस वीडियो में एंड तक, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड कमाल होने वाली है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर लेना एंड साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और गाइस वीडियो के एंड में मैं आपको एक तगड़ा सरप्राइज बताने वाला हूँ। अब भाई लोग हमारे पुलाव को बिल्कुल डाउन करते हैं, तो ये चेक करो भाई लोग इसके अंदर हमारे टीले है वो खिसकते जा रहे हैं। अब भाई लोग इसके अंदर हमारा एक बहुत बड़ा ग्लिच आ चुका है, इसके अंदर सबसे बड़ा ग्लिच है भाई लोग हमारा ये है ना, मतलब पीछे टीले दिख रहे होंगे आपको, ये टीले इकट्ठे तो हो रहे हैं, लेकिन सपोज गाइस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे उससे ना बिल्कुल मेड़ के ऊपर जाते हैं, और मेड़ के ऊपर जाने के बाद गाइस हमारे ट्रैक्टर के ब्रेक मारते हैं, देखते हैं ये टीले ना ये हमारे मतलब मेड़ के ऊपर इकट्ठे हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, इसके बाद में हम इसके अंदर मेड़ पटक सकते हैं। तो यहाँ पे ये चेक करो रोटावेटर को मैं उठाता हूँ, तो भाई टीले हमारे वो गायब हो चुके हैं। अब भाई लोगों यार इसके अंदर तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि भाई लोगों टीले गायब हो गए। अब भाई लोगों यार हमारे गेम में कुछ इसी प्रकार का न्यू अपडेट है वो आने वाला है, जिसके अंदर आप लेवलर की सहायता से अपने खेत के अंदर मेड़ वगैरह पटक सकते हो। और गाइस अपने गेम में फिलहाल फार्मिंग करने के सभी इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, अभी भी गाइस बहुत सारे इक्विपमेंट्स बाकी है अपने गेम में, वो ना वाले समय के अंदर अपने गेम में वो एड होते रहेंगे और हम लोग गेम को एंजॉय करते रहेंगे। अब
भाई लोगों यार बात करते हैं बहुत ही तगड़े एंड न्यू सरप्राइज के बारे में। तो ये चेक करो भाई लोगों, ये ट्रैक्टर कौन सा है? ये है अपने निशु भाई का स्वराज 855 नहीं टोचन किंग के अंदर भाई लोगों आपको बताया कि अपने निशु देसवाल भाई जिन किंग भाई लोगों पर्सनली अपने निशु भाई का पर्सनल यार बहुत फेवरेट ट्रैक्टर था। तो भाई लोगों अपने टोचन किंग ये कन्वर्ट होने वाला रियल ट्रैक्टर के अंदर, रियल टोचन किंग के अंदर ये ट्रैक्टर ये कन्वर्ट होने वाला है। तो गाइज इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। अब तो भाई लोगों हमारे गेम में हमारा जो नया ट्रैक्टर आएगा ना उसके अंदर क्या क्या नई मॉडिफिकेशन आएगी, उसके अंदर पहला तो हमारा ये बोनट है ना भाई लोगों, ये रियल मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता। और उसके अंदर हमारा टोचन किंग है वो लिखा हुआ आएगा और इसका स्टीयरिंग दिख रहा होगा गाइज यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये चेक करो भाई लोगों, यहाँ पे ना गोल स्टीयरिंग लेते हैं कस्टमाइज मॉडिफिकेशन, ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं इसका स्टीयरिंग। तो यहाँ पे ये चेक करो भाई लोगों, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ नंबर 2 वाला स्टीयरिंग। तो यहाँ पे भाई लोगों अब दिखाता हूँ मैं आपको इसका लुक, इंटीरियर दिखाता हूँ मतलब इसका फ्रंट। तो ये चेक करो भाई लोगों, हमारा जो स्टीयरिंग है कुछ इस प्रकार लग रहा है। हमारा निशु देसवाल भाई के ट्रैक्टर के ऊपर ना ये वाला स्टीयरिंग था, हमारे निशु भाई के ट्रैक्टर पे भी ये स्टीयरिंग था। तो भाई लोगों इसके अंदर आने वाली है हमारे निशु भाई की फोटो, जैसा कि गाइस आपने रोहित देसवाल भाई का देखा होगा, मतलब यार फिलहाल तो रोहित भाई चल रहे हैं उन सभी के ट्रैक्टर को। लेकिन भाई यार हमारा ट्रैक्टर है ना उसके अंदर बहुत ही कमाल की एंड न्यू मॉडिफिकेशन होने वाली है। तो गाइस आपको समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी जानकारी एंड पूरा प्रोसेस। अभी भी गाइस आपके मन में कुछ डाउट हो तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, टाटा बाय बाय, टेक केयर।